हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अड्डा 247। आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ क्योंकि आपका आरआरबी का एक एनालिसिस चल रहा था, CBT 2 का, सो दैट इज़ वाई। बट नो इश्यूज़, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। और जैसा कि आपको पता है दैट टूडे इज़ योर डे 8 एंड आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग यहाँ पे बताएंगे दैट द वीडियो इज़ क्लियर, साउंड इज़ क्लियर एंड वी आर रेडी टू बिगिन, और उसके बाद हम यहाँ पे सेशन का शुरुआत करेंगे। यस, ओके, चलिए। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ। यस, ओके। नवम भारत, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, इट मेड माई डे, है ना। तो समटाइम्स अ स्मॉल लिटिल कमेंट मेक्स यू फील सो हैप्पी, सो इट मेड मी फील वेरी हैप्पी, राइट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आर स्क्रीन टुडे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या पढ़ेंगे आज यहाँ पे पता चलेगा। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड प्लीज। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 6 sixes इन एन ओवर। एक ओवर में 6 बार 6 हिट किया, वो कौन है। आज इनके नाम पे ट्रॉफी भी मिलता है और आज इनके नाम पे हिज निक नेम इज गैरी, और उनके नाम पे आज आपको क्रिकेट में ट्रॉफीज मिलते हैं, राइट। से द करेक्ट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन नाउ, राइट। लेट अस हैव द फर्स्ट आंसर। कुछ लोगों ने लिखा है कि कपिल देव वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हिट 6 sixes इन वन गे इन वन ओवर, एंड सम ऑफ यू आर राइटिंग रवि शास्त्री। सो वॉट इज द करेक्ट आंसर, एंड आज हम लोग अगेन क्या करेंगे। हाँ, नाउ यू आर राइटिंग, मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग ऑप्शन नंबर ए एज वेल। तो कल के क्लास में भी जैसा हमने सबसे पहला क्वेश्चन आपको आंसर करने के लिए छोड़ा था, आज के मेरे लैपटॉप में चार्ज नहीं है, दैट बीइंग द प्रॉब्लम। ओके, सो आई कैन सी योर कमेंट इन माई फोन इट सेल्फ नाउ, सो नो वरीज, चलो, राइट। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन हम छोड़ेंगे आपके लिए आंसर करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन का आज हम आंसर नहीं दिखाएंगे, जैसा कि ट्रेंड थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, और हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। तो विदाउट शोइंग द आंसर लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को मेंशन करना है, बहुत लोगों ने अभी सही आंसर वैसे दे दिया है, बट स्टिल, राइट। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेहान पोंचा कहाँ से है, इंडिया से है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि नाम देख के आप पता लगाओ कि उधर से कहीं और से होंगे। रेहान पोंचा फ्रॉम इंडिया इज अ वेल नोन स्पोर्ट्समैन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये व्यक्ति ही प्लेज विच स्पोर्ट, गोल्फ के लिए फेमस है, स्विमिंग के लिए, बिलियार्ड्स के लिए, या फिर लॉन टेनिस के लिए, राइट। सो लेट अस सी सबसे पहले यहाँ पे कौन आंसर करेगा, बिकॉज एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, राइट। सो लेट्स हैव द फर्स्ट करेक्ट आंसर, और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी भी जितने लोग ए आंसर कर रहे हैं, आंसर ए नहीं है, आंसर इज नॉट ए। ऑप्शन नंबर टू, वरुण कुमार हैज गिवन, और उससे पहले रवीश हैज गिवन द फर्स्ट करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर टू, स्विमिंग। सो ही इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग, रेहान पोंचा इज एन इंडियन स्विमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री वॉज एवर्डेड द एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC के लेटेस्ट दो मेंबर्स के नाम क्या क्या है। ICC के लेटेस्ट दो मेंबर्स जो है वो कौन कौन से है। नंबर वन, आई विल गिव यू अ हिंट, जहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है, जहाँ से हमने DPSP लिया है। एंड नंबर टू, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देगा यहाँ पे, नेपाल नहीं, ऑप्शन नंबर ए, US नहीं,
नहीं, केसी कुमार आप बहुत सारे नेगेटिव मार्क्स जोड़ रहे हो अब अपने साथ. आई कैन से सबसे पहले यहाँ पे निष्पा ने सही आंसर दिया है एंड शी हैज रिटन दैट सबसे पहले अफगानिस्तान, सबसे लेटेस्ट मेंबर जो है, सबसे रीसेंट मेंबर जो है दैट इज अफगानिस्तान. आई डोंट नो व्हाई मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग यूएसए और लगातार सब लोग ऑप्शन नंबर ए यूएसए लिख रहे हैं, पता नहीं किस लिए. वेयर इज द लेटेस्ट मेंबर्स आर अफगानिस्तान एंड आयरलैंड, जहाँ से हमने डीपीएस भी लिया है, राइट? ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पर इतने सारे लोग यूएसए क्यों लिख रहे थे, व्हाई? द ग्रेट लॉन टेनिस प्लेयर बिजॉर्न बॉर्ग इज फ्रॉम विच कंट्री? बिजॉर्न बॉर्ग कौन से कंट्री से है ये आपको बताना है. वेयर इज ही फ्रॉम? स्वीडन से है, इटली से है, ऑस्ट्रेलिया से है या फिर यूएस से है? हाँ, अब जितने लोग अफगानिस्तान लिख रहे हैं, बिल्कुल सही. यस रोहित, आपको स्पोर्ट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेटेस्ट पार्ट से ही क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, राइट? यस, सो मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग स्वीडन. यस, सो सबसे पहले राजे ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रॉम स्वीडन, राइट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम्स इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू होस्ट अ टेस्ट मैच इन इंडिपेंडेंट इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे सबसे पहले एक टेस्ट मैच आपका होस्ट हुआ है, राइट? फर्स्ट टू होस्ट अ टेस्ट मैच इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद सबसे पहले कहाँ? जिमखाना ग्राउंड मुंबई, फिरोज शाह कोतला स्टेडियम दिल्ली, ईडन गार्डन्स कोलकाता या फिर MA चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई? सबसे पहला क्रिकेट मैच हमने कहाँ पे आयोजन किया था? लेट मी गिव यू अ हिंट. देखिए, एक मोन्यूमेंट है जो बहुत दूर से फिरोज शाह तुगलक जी लेके आए थे दिल्ली के अंदर इस स्टेडियम में, और आज द हिंट इज दिल्ली. उत्पल ने बिल्कुल सही लिखा है, उत्पल बोरा ने ऑप्शन नंबर सी. सो ऑल दोज पीपल जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिखा है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम लिखा है, दिल्ली लिखा है, योर आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच, अच्छा बिल्कुल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री आर्स ऑफ फुटबॉल आर फेमस इन विच कंट्री? फुटबॉल से रिलेटेड तीन आर कौन से कंट्री में फेमस है, राइट? पेरू में, मैक्सिको में, ब्राजील में या फिर यूएस में? द थ्री आर्स ऑफ फुटबॉल, अब फुटबॉल के लिए आप कौन से कंट्री को सबसे ज्यादा याद करते हो इन चारों ऑप्शंस में से? फुटबॉल के लिए इन चारों ऑप्शंस में से आप कौन से कंट्री को सबसे ज्यादा याद करते हो, राइट? सी, वेरी गुड. सो ऑल दोज पीपल जिन्होंने यहाँ पे ब्राजील लिखा है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है, योर आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर सी. बेंसन हेजिस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? निम्नलिखित में से कौन से स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड है? बेंसन हेजिस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हॉकी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है या फिर बास्केटबॉल से है? किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू, अब सभी क्रिकेट प्रेमियों को इसका आंसर तो बिल्कुल पक्का से पता होगा, है ना? क्रिकेट प्रेमियों को इसका आंसर ऑप्शन देखने का ही जरूरत नहीं है. दिस कप इज रिलेटेड टू नॉट फुटबॉल, दिस कप इज रिलेटेड टू क्रिकेट, ठीक है? तो अर्घदीप नंदी बिल्कुल सही, दिस इज रिलेटेड टू क्रिकेट. स्क्रीन पे दिखा दिया जाए सही आंसर और फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट कप इज पेन होल्डर ग्रिप. पेन होल्डर ग्रिप इज used in which of the following? Pen holder grip. Pen को इस तरीके से पकड़ते हैं, ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, right? That is cricket, that is hockey, that is table tennis या फिर badminton. अब pen holder के हिसाब से छोटा सा bat आपको पकड़ना होगा, right? So the answer will be, छोटा सा bat पकड़ना होगा तो answer क्या होगा? Kaushik, yes, correct. टेबल टेनिस, वेरी गुड. सो निपशा, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेबल टेनिस, छोटा सा गेम, छोटा सा बैट, टेबल टेनिस, पेन होल्डर ग्रिप. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिसीजन रेफरल सिस्टम इज यूज्ड. कौन से स्पोर्ट्स में रेफरी का सिस्टम यूज किया जाता है? सभी लोगों को पता होगा रेफरी कहाँ पे होता है, राइट? डिसीजन मेकिंग में एक रेफरल सिस्टम आपका होता है. किस में? हॉकी में होता है, टेनिस में होता है, चेस में होता है, या फिर क्रिकेट में होता है? वेयर डू यू सी दिस सिस्टम? अभी देखिए, एक हिंट आपको ये भी देते हैं कि एक तो आपका एम्पायर सिस्टम होता है, राइट, जहाँ पे दो एम्पायर्स खड़े होते हैं. एंड देन देयर इज, वेरी गुड. सो ऑल दोज पीपल जो यहाँ पे लगातार डी आंसर लिख रहे हैं, क्रिकेट आंसर लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? स्क्रीन पे दिखा दिया जाए सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट्स टीम इज ऑल्सो नोन एज द भांगरा बॉयज, है ना? तो भांगरा बॉयज के नाम से आप किसको जानते हो? सी, नाइस स्पोर्ट्स का क्वेश्चन ना. क्रिकेट टीम को जानते हो, भांगरा बॉयज तो बहुत फेमस होता है, लेकिन इतना फेमस नहीं है, राइट? तो क्रिकेट टीम तो नहीं होगा. हॉकी टीम को जानते हो, कबड्डी टीम ठीक है, लेकिन हरियाणा, पंजाब भांगरा बॉयज, या फिर फुटबॉल टीम? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जावेद खान ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फुटबॉल टीम को आप जानते हो बाई द नेम ऑफ भांगरा बॉयज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर ऑफ इंडिया वॉज फेमस एज पॉकेट डायनेमो. कौन से ऐसे प्लेयर है जो पॉकेट डायनेमो के नाम से फेमस है? नेम द प्लेयर हु इज फेमस एज पॉकेट डायनेमो. इसके स्पोर्ट्स के बाद एक और सेशन आपका बच जाता है, उसके बाद हम जनरल साइंस में जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज पार्ट ऑफ जीएस, उसके बाद हम जनरल साइंस में जाएंगे. बिल्कुल सही. तो जितने लोग यहाँ पे सी ऑप्शन लिख रहे हैं लगातार, जितने लोग यहाँ पे सी ऑप्शन लिख रहे हैं लगातार, के डी जादव, ही इज ऑल्सो नोन एज द पॉकेट डायनेमो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आंसर दिखा दिया जाए बोर्ड पे, ऑप्शन नंबर सी. द वर्ड गैम्बिट, गैम्बिट वर्ड आप लोगों ने सुना भी होगा, राइट? सो द वर्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. गैम्बिट किससे? गैम्बिंग, गैम्बिंग, गैम्बिट, गैम्बल, पैसा मिला, हार गए. स्पोर्ट्स किससे रिलेटेड है? चेस से, टेबल टेनिस से, पोलो से, या फिर कैरम से, राइट? सो यहाँ पे कुछ गेमिंग करो, कुछ पैसे कमाओ, एक्सेट्रा, बट इन अ पॉजिटिव सेंस ये किससे रिलेटेड है? वेरी गुड. रवेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चेस. तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे चेस लिखा है, स्क्रीन पे दिखा दिया जाए सही आंसर. और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ब्लैक फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियन इन हिस्ट्री? सबसे पहले फॉर्मूला वन चैम्पियन इनमें से कौन से रहे हैं? लेविस हैमिल्टन, बटन, या फिर मासा, या फिर अलो? हु इज द, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो सबसे पहला जो सबसे फेमस जो आपने इनमें से सुना है, उस पर आप टिक लगा के निकल लो. ठीक है, सो द करेक्ट पीडीएफ एक साथ लास्ट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा. वेरी गुड. सो ऑल दोज पीपल हु आर राइटिंग ऑप्शन नंबर सी, लेविस हैमिल्टन, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. And it is C. Which among the following games was previously known as Mindtonate? इनमें से कौन सा गेम है जिसको आप पहले Mindtonate के नाम से भी जानते थे? Okay. फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, या फिर हैंडबॉल? जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर दीजिए. आई कैन सी बेसबॉल यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन आप एक माइन को थ्रो करते हो इन द फॉर्म ऑफ अ वॉलीबॉल. ठीक है, आप माइन को थ्रो करते हो, या फिर वॉलीबॉल बाय, रिमेंबर बाय एनी ट्रिक, जो भी आपको सही लगता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वॉलीबॉल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. CBT 2 के बीच में कितना टाइम मिलेगा? ओके कार्तिक, आई विल पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, ओके. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज
ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड टीम चैम्पियंस फॉर वुमेन. इसमें से कौन सा टूर्नामेंट है जो वर्ल्ड टीम चैम्पियंस फॉर वुमेन के नाम से जाना जाता है? थॉमस कप, उबर कप, हेलविटिया कप या फिर स्पेनिश ओपन? सो आई कैन सी यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं, अंजलि ने लिखा है ऑप्शन नंबर बी एंड सम ऑफ यू आर ऑल्सो राइटिंग ऑप्शन नंबर सी. अवनीश हैज़ ऑल्सो रिटन उबर कप. येस एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ उबर कप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु अमोंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज फ्लाइंग सिख? इनमें से किन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है? मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह, युवराज सिंह या फिर गरबच्चन सिंह? आप एक यहाँ पे हिंट लगा सकते हो, ये मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पे सही दे पाएंगे. फास्ट फास्ट रनर, सुपर फास्ट रनर, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहे हैं. ऐसा नहीं लग रहा है कि वो दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहे हैं. वेरी गुड. तो जितने लोगों ने यहाँ पे मिल्खा सिंह लिखा है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. तो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए करेक्ट आंसर और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? फेमस क्वेश्चन है. रोवर्स कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर टेनिस? रोवर्स कप. पुट एनी थिंग इन योर माइंड एंड ट्राई टू रिमेंबर द रोवर्स कप. हाँ, भाग मिल्खा भाग, ठीक, सही. सो अगेन आई कैन सी राजीव सिंह यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन लिख रहे हैं दोबारा से, राइट? सो ऑल दोज पीपल हु आर राइटिंग फुटबॉल, क्या है, फुटबॉल है कि हॉकी है? कुछ लोग टेनिस लिख रहे हैं, कुछ लोग फुटबॉल लिख रहे हैं, कुछ लोग हॉकी लिख रहे हैं. सो ऑल दी फोर आंसर्स यू आर गिविंग, राइट? सो वॉट इज द करेक्ट आंसर? येस एंड दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर फुटबॉल कप से रिलेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच अमोंग द फॉलोइंग वॉज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स? सबसे पहला साउथ एशियन गेम्स कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? वेन्यू ऑफ फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वॉज, सबसे पहला कहाँ हुआ था? सबसे पहला साउथ एशियन गेम नेपाल में हुआ था, ढाका में हुआ था, कोलंबो में हुआ था या फिर न्यू दिल्ली में हुआ था? फर्स्ट, सबसे पहले तो ऑप्शंस देखिए, ठीक है, ए बी सी. ठीक, नाउ यू हैव टू चूज फ्रॉम एशिया ओनली, और एशिया ही दिया हुआ है. सो इट वॉज नॉट इन न्यू दिल्ली और इन बांग्लादेश, बट इट वॉज इन नेपाल. तो फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वॉज हेल्ड इन काठमांडू. तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं, ए कितने लोग लिख रहे हैं, दैट इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज इट वॉज हेल्ड इन योर काठमांडू, राइट? ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, अच्छा इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो कि कुकाबोरस इज द निक नेम ऑफ हॉकी टीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन से कंट्री का निक नेम है? सो कंगारू से आप रिलेट करके यहाँ पे याद रख सकते हो, राइट? लाइक कंगारू, लाइक ऑस्ट्रेलिया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधे. ठीक, विच अमोंग द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट हैज बिकेम द फर्स्ट एवर टू बी ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन द पॉपुलर वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब? इसमें से कौन सा सबसे पहला ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट था जिसका कि यूट्यूब लाइव चला था? आज तो लगभग सभी का चलता है, वैसे सबसे पहला जिसका यूट्यूब लाइव चला था वो कौन सा था आपका सेशन? ठीक है, तो ऑल दोज पीपल जो यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड, वैसे तो T20 भी आपका वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप इस दो, राइट? सो आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ यू हु आर राइटिंग, अवनीश ने भी यहाँ पे लिखा है IPL. सो IPL इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट? कि आपका IPL इंडियन प्रीमियर लीग 3 जो है वो आपका सबसे पहले यूट्यूब पे लाइव चला था. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि पैसे से रिलेटेड है. सो दैट वॉज हियर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच न्यू चैम्पियनशिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन मलेशिया?
Which new championship was introduced in the last Commonwealth Games held in Malaysia? Malaysia में होने वाले Commonwealth Games में निम्नलिखित में से कौन सा championship को introduce किया गया था? Right? Very good. So I can see the first answer is here from Ravish, and that is nothing but your hockey. So it was hockey that was यहाँ पे जिसको introduce किया गया था. ठीक. अब आते हैं next question पे. Simple questions है sports के, ज़्यादा कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है. In which sport is the term cattle associated? Cattle जो है ये term कौन से sports से associated है? The term cattle is associated with which sport? Football, hockey, golf. So Mantu, yes. So Mantu ने यहाँ पे सबसे पहले answer किया है golf, and that is the correct answer. ये किससे associated है? ये cattle term associated है golf से. ठीक है. Let's come to the next question. The next question is who won the Asia Cup hockey tournament? Asia Cup hockey tournament किसने जीता? तो इस क्वेश्चन के साथ आज हम आपको छोड़ेंगे. आज आपको इस क्वेश्चन का आंसर और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना है. अब एक बार फुल बोर्ड पे आ जाते हैं. हमने स्पोर्ट्स रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस देखे जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना है? कप से रिलेटेड या फिर ट्रॉफी से रिलेटेड, और वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है? ये है मेरा क्वेश्चन टाइप नंबर वन. नंबर टू, नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन. नेम ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, या तो इन्हें किसी चीज़ के लिए कोई ट्रॉफी मिला हो, कोई खिताब मिला हो, या फिर इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन वन ओवर रिकॉर्ड किया हो. फॉर एनी बिग अचीवमेंट, फॉर एनी बिग अचीवमेंट, If there is a name of a sports person associated, ये हमको देख के जाना है. Number three is the venue. Number three is the venue. कहाँ पे जो भी famous sports है वो कहाँ organize हुआ है? For example, FIFA World Cup 2018 कहाँ पे हुआ? The name of the venue. ये देख के जाना है. And the fourth type is the number of players. जो आपने बहुत से exams के लिए तो नहीं इसको देखा होगा, but हमने देखा कि इन केस ऑफ योर आरआरबी एग्जाम्स दे आर ऑल्सो आस्किंग यू अबाउट द नंबर ऑफ प्लेयर्स. तो इसको भी आपने देख के जाना है. डू नॉट वरी अबाउट द पीडीएफ. पीडीएफ में ना कि सिर्फ ये क्वेश्चंस बल्कि इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का एक जो पीडीएफ है एंटायर जीए और जीएस का, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे. लेकिन इन लाइव क्लासेस के और आपके मॉक टेस्ट के हो जाने के बाद I will provide you at least a question bank of 500 questions minimum, but वो हम करेंगे इस पूरे session के live के हो जाने के बाद. As you can see that I am actually into, you know, some of the most important works regarding the PDF. मेरे को देख के पता चल रहा होगा, right? So let me complete that. After that we will go ahead and publish them, right? So until then, take care, stay blessed, and I will see you again tomorrow with the miscellaneous science and technology questions. और उसके बाद boost up हो जाइएगा, क्योंकि फिर हम करेंगे physics, chemistry और life sciences के questions, right? So guys, that's it for today. Take care and stay blessed. Bye bye. और आज का session short थोड़ा सा इसलिए था क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत सारे students CVT 2 के भी papers को कर रहे हैं. So that is why कल जो है आपका थर्ड सेशन हो जाएगा, सीबीटी 2 भी आपका ख़त्म हो जाएगा, और कल के बाद आप मन लगा के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस के क्वेश्चंस को भी हमारे साथ अच्छे से कर पाओगे. डू नॉट फॉरगेट मंडे टू फ्राइडे 1 PM. ठीक है. चलो, टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू.